दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन रेलवे के बारे में। एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है। तो एनटीपीसी की वैकेंसी वो पहले आई थी, वो ग्रेजुएशन लेवल से आई थी। उन्होंने ग्रेजुएशन आपकी होने कंप्लीट था, अब आई है वो है आपकी 12th से। तो आपको 10th 12th होना जरूरी है, बस सिर्फ आप 10th 12th से आपको अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ नोटिफिकेशन के बारे में। आज ही से आपके फॉर्म वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे पूरी जानकारी मिलने वाली। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चलते हैं वीडियो पर अपनी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर जो पहला पेज दिया हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कंटेंट के, आप हिसाब से आप यहाँ से अपने पेज पर जा सकते हैं। आपका पेज नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप कौन से नंबर पेज नंबर पर आपका कैसे इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ, जैसे आपके बुक में दिया हुआ रहता है वो फर्स्ट में, या आपके सीरियल नंबर दिया हुआ है, इस तरीके से आपको जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कौन सा वाला पेज देखना है, कौन सा वाला नहीं देखना है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आगे बता रहा हूँ, इसमें देखिए डेट ऑफ पब्लिशिंग RRB वेबसाइट 20/9/2024, यानी आपकी वेबसाइट का नोटिफिकेशन है वो 20/9/2024 को डल चुका था। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिस 21/9/2024 को आपके फॉरम में वो चालू हो चुके हैं। तो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ये आपके हैं 20/10/2024 तक आपके फॉर्म चलेंगे। 23 बजे को 59 मिनट यानी 12 बजे तक आपके, रात 12 बजे तक आपकी साइट है वो बंद हो जाएगी। डेट ऑफ फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट इज 20/10/2024। तो 20 तारीख की आपकी डेट दी हुई है क्लोजिंग है, 21/10/2024 to 22/10/2024 तक आपकी डेट आनी है, तो आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ फोर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट मॉडिफिकेशन फीस, ये पेमेंट आपको करेक्शन करना है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है, तो आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये वाली ये आपकी डेट दी हुई है फॉर्म की गलती की, तो आपको नीचे दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नीचे। तो इसमें देखिए ये दिया हुआ है आपके डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट जिलेंस नेम ऑफ द पोस्ट, ये आपके नीचे इस साइड में आपके देखिए फ्रेंड्स, ये पोस्ट इसमें ये पोस्ट दी हुई है। इसके बाद में लेवल ये दिया हुआ है, इसमें पे आपको ये दिया हुआ है आपकी यानी आपको सैलरी कितनी रहने वाली वो दी हुई है। तो आपके मेडिकल स्टेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आपके सारी चीजें इससे पूरी चीजें दी हुई है। आपको एज एज आपकी कितनी होनी चाहिए, एज वाला कॉलम ये दिया हुआ है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारी वैकेंसी टोटल वैकेंसी आपकी कितनी थी वो भी इसमें दी हुई है। तो आपके आगे देखिए, आगे भी बता रहा हूँ, पूरी डिटेल इसमें दी हुई है सारी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पूरा फॉर्म है, इसको नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ लेना होगा। आपको पूरा पढ़ने से ये होगा कि आपका फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी। पहले आपको फॉर्म में पढ़ना जरूरी है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट, ये मेडिकल के लिए आपको जनरल डिटेल दी हुई है। आपको मेडिकल क्या क्या लगेगा, जनरल फिटनेस वगैरह जो उसमें फिजिकल फिट ऑल रिस्पॉन्स इसमें दिया हुआ है। इसके बाद में देखिए मैंने से नीचे दिया हुआ है सारी चीजें, B2 में C2 में दोनों की डिटेल वो दी हुई है। और आपको इसमें देखिए एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट में इसमें दिया हुआ है। देखिए एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, एज लिमिट आपको कितना होनी चाहिए, एज ग्रुप 18 to 33 यानी 18 से आपकी कम नहीं होनी चाहिए, 33 से आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एज आपको दिया है। यू आर यानी जनरल EWS में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, UR और जनरल EWS वाले। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेस देन OBC नॉन क्रीमिलियर, उनकी डेट यानी 2/1/1989 के से कम 89 से आपके फॉर्म में उसमें भर सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1989 से होगी वो भर सकते हैं। ST वाले इनके लिए छूट दी रहती है, 3 ईयर की आपकी छूट रहती है इसमें। 2/1 यानी 2/1/1987 से वाले भर सकते हैं इसमें। उसके बाद में देखिए लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ नॉन लेटर देन फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज, उसमें इतना है। तो डेट ऑफ बर्थ लिमिट SC ST OBC नॉन क्रिमिनल, इसमें ये कम्युनिटी ये रिलेक्शन इसमें दिया रहता है, ये रिलेक्शन इसमें यानी पर डेट यानी 5.3 साल, 5 साल का इसमें आप पर ये रिलेक्शन है वो दिया हुआ है।
इलेक्शन के बाद में देखिए, इसमें आपका अगला पॉइंट आता है कौन सा, कम्युनिटी एक कैटेगरीज। इसमें ये आपकी कैटेगरीज है, ओबीसी नॉन कुलिनियर और एसटी वाले सबके लिए दिया है। ओबीसी वालों के लिए तो दिया है 3 ईयर का एक्स, ये रिलेक्शन ओएसटी एससी वालों को दिया है आपका 5 ईयर का ये रिलेक्शन। एक्स सर्विस मैन वगैरह इसमें सारी डिटेल दी हुई है। पीडब्ल्यूडी वाले यानी विकलांग वगैरह होते हैं उनके लिए भी ये दिया हुआ है, ये रिलेक्शन है, सारी चीजें इसमें दी हुई है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और जिसमें देखिए आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, 500 रुपये आपको फीस कट रही है इसमें, वो एससी ओबीसी वालों की, एससी एसटी वालों की कट रही है 250 रुपये, और फीमेल वालों की 250 कटेगी, यानी ओबीसी और जनरल वालों की आपकी फीस है वो 500 रुपये कट रही है। अगर आप इसमें आय का यूज करते हैं, ओबीसी वाले अगर आय का आय लगाते हैं, आय प्रमाण पत्र लगा लेते हैं, तो उनका फीस है वो 250 रुपये कट रही है इसमें। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।